हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। यह है कक्षा 5 के बच्चों के लिए 24 तारीख की। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। एक दिन की बादशाहत, क्रम संख्या 140। विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। झुप्पा को खट्टी इमली पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना। तो कैसा स्वेटर? नीला। कैसी इमली? खट्टी। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों शब्द क्या बता रहे हैं? विशेषता। खट्टी है इमली की विशेषता और नीला स्वेटर की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। उदाहरण, चार बच्चे, तो चार हो गया विशेषण। नीला आसमान, नीला हो गया विशेषण क्योंकि आसमान की विशेषता बता रहा है और चार जो है बच्चों की विशेषता बता रहा है। हरा पत्ता, हरा विशेषण हो गया, पत्ते की विशेषता हरा। लंबी रस्सी, तो रस्सी की विशेषता हो गई लंबी, ये हो गया विशेषण। झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुप्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीजों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीजें झुप्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुप्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। पदार्थ का नाम, तो ये है गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन का स्वाद मीठा। ये है समोसा, समोसे हैं लेकिन हम यहाँ पदार्थ का सिर्फ नाम लिख रहे हैं, तो समोसा कैसा है? नमकीन। फिर है पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न का स्वाद कैसा है? नमकीन। अगला, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण, फूल, कैसा फूल? सुंदर फूल, पीला फूल। उसी प्रकार किताब, भारी किताब, महंगी किताब, सस्ती किताब। उसी तरीके से चिड़िया, कैसी चिड़िया? सुंदर, ये सुंदर मैं दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, स द र, यहाँ पे उ की मात्रा न, सुंदर। और रंग बिरंगी चिड़िया, कैसी चिड़िया? रंग बिरंगी। लड्डू, मीठा लड्डू, गोल लड्डू, लड्डू कैसा है? गोल। उसके बाद मेंढक, मेंढक कैसा है? हरा मेंढक, और मेंढक मोटा है तो मोटा मेंढक। अगला, अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। पहला प्रश्न, आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? तो उन्हें सोने के लिए कब बोलती थी अम्मी? जब वो दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे। तो आरिफ और सलीम को अम्मी तब सोने के लिए बोलती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते। इसके आगे थे भी लिख दीजिए, होते थे, और पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम यहाँ नहीं लगेगा। और हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि मज़े से आइसक्रीम? क्योंकि ये कौन उठाता था? ये आपा मतलब बहन उठाती थी, ठीक है? तो वो लाइन नहीं आएगी, सिर्फ इतना आएगा कि आरिफ और सलीम को अम्मी तब सोने के लिए बोलती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे
कव्वाली गा रहे होते थे। अगला, बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? तो वो सपने में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। तो इसका उत्तर है, बच्चे सपने में मज़े से आइसक्रीम खा रहे होते थे। तो बच्चे सपने में मज़े से आइसक्रीम खा रहे होते थे। और तीसरा प्रश्न है, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? अगर कभी ऐसा हुआ है तो लिखिए हाँ, अगर नहीं हुआ है तो लिखिए ना। उनका ऐसा करने का कारण क्या था? अगर उत्तर है हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया वो आपको बताना है। अपना अनुभव लिखकर अपने शिक्षक से साझा कीजिए। तो कब हुआ और क्या हुआ, क्या स्टोरी थी, वो लिखकर अपने टीचर को बताना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए सुझाव, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। बच्चों से उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण शब्दों से अवगत कराएं। और COVID-19 से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। बाय बच्चों।